नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम रामराज बल्लाजी देवी इंटर कॉलेज अरखापुर चिमा बाजार में मौजूद हैं, जहां पर धनतेरस के अवसर पर विद्यालय परिसर में तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आप देख पा रहे हैं रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। धनतेरस का अवसर है और दीपावली के त्यौहार पर विद्यालय द्वारा यह आयोजन किया गया है। आप ये तस्वीरों को देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें बनाई गई हैं, खूबसूरत तस्वीरें बनाई गई हैं, और हम बच्चों से जो बना रहे हैं यहाँ से भी बात करें। आपने क्या बनाया है? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण बोलो। राधा कृष्ण की रंगोली। रंगोली आपने बनाया है। तो आज धनतेरस का त्योहार है, दीपावली को कैसे मनाएंगे आप लोग? सब दिया जैसे बार करके मोमबत्ती जी दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत। क्या नाम है? गरिमा। गरिमा जी, क्या बनाई हैं आप लोग? हम राधा और कृष्ण का चित्र बनाए हैं। कितने लोग को मिल के बनाए हैं? पांच लोग हैं। पांच लोग टीम में बनाए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि विद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं, इनमें प्रतिभाओं की कमी नहीं है। निश्चित तौर पे ये जो बना है, खूबसूरत बना है। निश्चित तौर पे इन बच्चों की जो तारीफ की जाए, हमारे साथ जी की जो प्रतिमा है उसको बनाई गई है, और बच्चों ने जो भारत का नक्शा है उसके अंतर्गत बनाया है, और देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। लिखा गया है मेरा भारत महान है। निश्चित तौर पे बच्चों के अंदर जो अपनी कलाओं के माध्यम से इसे दिखाने का प्रयास किया गया। धनतेरस का अवसर है, विद्यालय में छात्र छात्राओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला है, और बच्चों को दीपावली की हार्दिक बधाई भी विद्यालय की ओर से दी गई है, और उन्हें आज एक उदाहरण के तौर पर दीपावली के अवसर पर जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। निश्चित तौर पे ये हमारे उन बच्चों को काफी सहायता मिल सकेगी जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। बेटा, क्या नाम आपका? मेरा नाम श्वेता पटेल। क्या बनाई हो? हम लोग मतलब भारत का नक्शा बनाया और उसमें गांधी जी का चेहरा बनाए हैं। अच्छा, उसमें गांधी का चेहरा। नाम क्या आपका? सुमन चौधरी। कितने लोगों ने मिलकर बनाया है? पाँच। कैसे, कहीं से नकल उकल की है? नहीं नहीं, अपने मन से बनाया। अपने मन से बनाए हैं। क्या नाम है? सेजल। सेजल, क्या बनाई हो? बीड़ा। बीड़ा, ये बीड़ा है, वो क्या है? बत्तख। बत्तख, बीड़ा और बत्तख को मिलकर, और वो क्या है? वो ग्रंथ है, भारत माता को जी। कितने लोग मिलकर बना रहे हो? पांच। क्या नाम है? कंचन। कंचन जी, ये कैसे बना रही हैं? क्या क्या मिलाई है? बस यही कलर मिलाए हैं, लेके आए हैं बाजार से, और इसी से मिला रहे हैं, बना रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत बनाया जा रहा चित्र। तो निश्चित तौर पे बच्चे जो है, हमारी बालिकाएं जो है प्रतिभाग कर रही है। क्या नाम है? गुलफिजा फातिमा। क्या बना रही हो? भारत माता को। भारत माता को, यस। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे निश्चित तौर पे इनकी प्रतिभाएं काफी अच्छी है। निखारने की जरूरत है, विद्यालय द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने का कार्य आज किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे बड़ी अच्छी बात है। बेटा जी, क्या बना रही हो? सर, रंगोली बना रहे। रंगोली बना रही है। किसका चित्र है? एक वुमेन है जो कि रंगोली बना के दीपक लेके खड़ी। आज में बच्चों में एक अच्छा संदेश जाएगा। दीपावली के दिन प्रत्येक घरों में रंगोली बनाई जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी जी के आगमन होता है घर में। इसको लेके बनाया जाता है, हर घर में ये सजावट का काम चलता है। G20 क्या है? G20 क्या है? मतलब उसी का कुछ लेक्चर उसी तरह बना, मतलब सारे देशों को सम्मिलित करके G20 मनाया गया था, जिससे शासन व्यवस्था को जो है एक दिया जाए, मतलब नाम उसी तरह से G20 है, नाम उसका दिया गया है। भारत माता को बनाई हो? यस। ये क्या है? तिरंगा हमारे देश का। कितने रंग हैं? तीन। कौन कौन से? केसरिया, सफेद, हरा जी। आपका क्या नाम है? सर, रूपम यादव। रूपम यादव, आप लोगों ने मिलकर बनाया है? यस सर, हम सभी लोग। कितना देर लगा बनाने में? कम से कम एक दो घंटा। दो घंटे लगे? यस, एक डेढ़ घंटा। प्रबंधक जी मौजूद है, रमन कुमार चौधरी जी। इनका प्रयास है लगातार कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारा जाए, और निश्चित तौर पे हमारे गांव की जो प्रतिभाएं हैं, जब से तमाम विद्यालय खुले हैं, रविंद्र चौधरी ने विद्यालय खोला है, स्थापना की है, तब से इनका विद्यालय लगातार अपने बच्चों द्वारा हर प्रतिभाओं में ये बच्चे नंबर एक पे आते हैं, चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, हाई स्कूल की हो, जो भी परीक्षाएं हो, बच्चे नंबर अव्वल पे आते हैं। आज देखिए धनतेरस का दिन है, और बच्चों को हर घर में ये जो बनाया जा रहा है, निश्चित तौर पे हर घर में रंगोली बनाई जाती है। आज बच्चों को अभ्यास भी कराया गया है, विद्यालय में रंगोली बनाई गई है। रंगोली के माध्यम से तमाम संदेश भी दिए गए हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता हो या भारत की अखंडता एकता हो, सबको जोड़ने का बच्चों ने प्रयास किया है। भारत माता के अलावा तमाम चित्रों को बना करके एक ऐसा संदेश दिया है कि जो उन बच्चों को सीख मिल सकेगी, जो बच्चे भी
पढ़ रहे हैं, कक्षा एक में है, दो में है, आठ में है, नौ में है, वो बच्चों को काफी सीख मिल सकेगी। विद्यालय के प्रबंधक की आज आपके विद्यालय में बड़ी अच्छी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इसमें सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया और बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है उसको निखारने का आपने काम किया। धनतेरस का त्यौहार है, आप अभिभावकों को कैसे बधाई दे रहे हैं? हमें चाहेंगे कि सारे अभिभावक जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं अपने बच्चों को आगे आने का हमेशा मतलब जैसे वो अवसर देते रहें और एक अच्छे से अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करें। जी हाँ, तो आपके यहाँ तमाम बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग किया, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ये कैसे संभव हो पाया विद्यालय में? जैसे विद्यालय में हमारे तीन जजेज नियुक्त किए गए हैं जी, बच्चों का ये था कि मतलब सर अब की बार दीपावली में कुछ नया किया जाए जी, तो जैसे बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए हम लोग सोचे कि चलिए ठीक है, मतलब अलग से रंगोली प्रोग्राम भी हुआ जी और निबंध प्रोग्राम भी हुआ है, आर्ट का भी प्रोग्राम हुआ है जी। अब इनमें जो भी बच्चे जो भी टीम फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाएगी जी उनको मेडल के साथ सम्मानित किया जाएगा, बाकी सारे बच्चे जो भी प्रतिभाग किए हैं उनको भी साथ सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाएगा जी, जिससे और भी जो छोटे बच्चे हैं जो आने वाली पीढ़ी हमारी मतलब उनको एक नया आयाम मिले, मतलब नई ऊर्जा और नया स्रोत मिले। दीपावली को लेके बच्चों को क्या संदेश देंगे? दीपावली के उपलक्ष्य में हम बच्चों को विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना, बच्चे अपना त्योहार मनाने के साथ साथ सबसे ज्यादा ध्यान पढ़ाई पे ध्यान देंगे और अपने विद्या को जगाएंगे जिससे वो आने वाला भविष्य उनका हो, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएं, अच्छा मुकाम हासिल करें। देखिए जो विद्यालय के प्रबंधक हैं रमन चौधरी जी का साफ तौर पे कहना है, उन्होंने बच्चों को ये संदेश दिया है कि पढ़ाई को करने के लिए दीपावली से एक सोच बना लें, दीपावली पर पढ़ाई करके दीपावली को जगा लें और अपने जो बुराई है उसको निकाल करके अच्छाई की ओर जाएं और निश्चित तौर पे पढ़ाई पर ध्यान लगावें जिससे हमारे जो त्यौहार है आने वाले सुखमय हो सकेंगे। आपका त्यौहार सुखमय तब होगा जब आप पढ़ने में अच्छे होंगे और आप किसी नौकरी में जाकर के अपने क्षेत्र का नाम विद्यालय का नाम रोशन कर सकेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।